सेना की हवाई शाखा यानी भारतीय वायुसेना सैनिकों और एयरक्राफ्ट के मामले में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है, जहां हमारे लड़ाकू विमान किसी भी देश से लड़ने का दम रखते हैं, जिसके लिए DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तत्परता से कार्य कर रहा है। लेकिन लखनऊ के शहीद पद में भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट प्लेन के उपकरणों को ले जा रहे एक प्राइवेट ट्रेलर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते सभी वायुसेना अधिकारी भी हैरान हैं। नमस्कार, मैं सुमित और आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। राजधानी के बख्शी के तालाब एयरफोर्स बेस से 27 नवंबर की रात लखनऊ से जोधपुर ले जा रहे फाइटर जेट प्लेन मिराज का एक पहिया चोरी हो गया। जब ट्रेलर ड्राइवर को इसकी भनक लगी तो उसने तुरंत डायल 112 को सूचित किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची डायल 112 ने ट्रेलर के ड्राइवर से पूछताछ कर उसकी तहरीर पर आशियाना थाना में मुकदमा दर्ज कराया। बताया जाता है कि लखनऊ के बख्शी ताल एयरबेस से मिराज फाइटर जेट के 5 टायर जोधपुर एयरबेस भेजे जा रहे थे। 27 नवंबर की रात करीब 2 बजे सेना से संबंधित ट्रेलर टायर लोड करके निकला, लेकिन पहुंचने पर सिर्फ 4 ही टायर पाए गए। मायापुर अजमेर के रहने वाले ट्रेलर ड्राइवर हेम सिंह रावत के मुताबिक लखनऊ के शहीद पथ पर ही HR होटल के पास जाम लगा हुआ था। जाम के बीच ट्रेलर के पीछे कई गाड़ियां लगी हुई थी। ड्राइवर के मुताबिक उन्हीं गाड़ियों में से एक काली स्कॉर्पियो में सवार कुछ लोगों ने ट्रेलर का रस्सा काट दिया और एक टायर उतार लिया। ड्राइवर को कुछ शक हुआ, उसने गाड़ी किनारे लगा कर देखा तो ट्रेलर पर लदा हुआ लड़ाकू विमान का एक पहिया गायब था। ड्राइवर हेम सिंह ने इसकी सूचना डायल 112 नंबर पर पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस उसे गाड़ी सहित आशियाना थाने ले गई, जहां संवेदनशील मामला देख तत्काल रिपोर्ट दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। हालांकि प्राथमिक जांच से चोरों का सुराग नहीं लग सका है, वहीं आशियाना पुलिस के मुताबिक तफ्तीश की जा रही है, जल्द ही पता चल जाएगा कि टायर किसने चोरी किया और कहाँ लेकर गए। वहीं ड्राइवर हेम सिंह रावत को बाकी के 4 टायर लेकर जोधपुर के लिए भेज दिया गया। ड्राइवर जब जोधपुर एयरबेस पहुंचा तो एयरफोर्स की पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। बताया जाता है कि उसके ट्रेलर से फाइटर प्लेन के स्पेयर पार्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। सेना को आशंका है कि किसी दुश्मन की साजिश के तहत टायर चोरी हुआ है। बताया जाता है कि इस टायर की प्लेन के अलावा कहीं और उपयोगिता नहीं हो सकती। इसका इस तरह से चोरी होना संदेह का कारण बना हुआ है। अब देखना ही होगा कि घटना सच में किसी आतंकी साजिश के तहत हुई है या फिर इसे लखनऊ के शहीद पर मौजूद उपद्रवियों द्वारा ही अंजाम दिया गया है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार चैनल। धन्यवाद।